उपेंद्र सिंगल जी हैं। उपेंद्र सिंह। और आपका नाम? मदन मोहन। मदन मोहन, आप हरियाणा से आ चुके हैं? हरियाणा से, हम कुरुक्षेत्र के निवासी हैं। अच्छा, इधर कैसा आना हुआ आपका? गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गीता। हाँ जी। यानी कि मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी। अच्छा। 2016 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होने लगा था, बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई, जिसमें 30 से 40 लाख लोग उन 18 दिन के कार्यक्रमों में पहुंचते। 2017 में पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में मॉरिशस को कुरुक्षेत्र में बुलाया, जिसमें मॉरिशस के एक्टिंग प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मॉरिशस में जाके भी गीता महोत्सव कुछ इस तरह से मनाया जा सकता है। तो बोर्ड ने डिसीजन लिया, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उन्होंने मिल के ये निर्णय लिया कि हम मॉरिशस में गीता महोत्सव मनाएंगे। तो जनवरी 2019 में हम लोग गए और मार्च में 2019 में हमने मनाया। फिर सेम कार्यक्रम अगस्त 2019 में लंदन में, और उसके बाद अब ये कनाडा में सितंबर 16, 17 और 18 को मनाया जाएगा। अच्छा जी, आपको कैसा ये मन में लगा कि इधर करना है, कनाडा में करना है बोल के, आपको कैसा लगा ये प्रेरणा है? जब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने 2016 से श्रीमद् भगवद गीता समारोह जो जयंती का आयोजन वहाँ नवंबर दिसंबर में होता था, उसे 18 दिन का क्या अंतर्राष्ट्रीय किया उसको पहली बार, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर होता था, बहुत छोटा होता था, और केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में मनोहर सरकार के आने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इस समारोह को, जब छोटे समारोह में 5-7 लाख लोग आते हैं तो उसको बड़ा स्वरूप किया जाए। उसमें मैं भी 2019 के समारोह में मैं भी शामिल हुआ था और उस भव्य स्वरूप मैंने देखा वहाँ। तो तभी उससे पूर्व महाराज जी यहाँ आए थे 2019 में ये संदेश लेकर के कि यहाँ वो भव्य आयोजन हो, तो सबके मन में था कि ये कार्यक्रम यहाँ हो, और उससे प्रेरित होकर के हमने महाराज जी से वहाँ आग्रह किया, और तब निर्णय लिया था कि 2020 में होगा ये आयोजन, पर कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो 2020 और 2021 निकलने के बाद में 2022 में हो। और ये वैश्विक भगवद गीता तो पूरे विश्व की है, भगवद गीता में तो साफ लिखा है कि जो सप्त द्वीपा वसुंधरा है उस पर जो 7 प्रजापति हुए आदि में, वो ये पूरी संतान उन्हीं 7 प्रजापतियों की है जो पूरे ब्रह्मांड पूरे विश्व में फैली हुई है। तो भगवद गीता वैश्विक यूनिवर्स है। मुझे आप ये बताइए, आप इधर आके आप इसका प्रचार करते हैं है? मैं ये जानना चाहूँगा, ये हरियाणा गवर्नमेंट जो हिंदूवादी सरकार बैठे हुए है उधर, वो हरियाणा में क्या किया? क्योंकि ये बोला जाता है, ये पुस्तक में गीता करेंगे बोल के बोलते हैं, इलेक्शन बगैर कुछ नहीं करते हैं बोल के, इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? हाँ, मदन जी इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। देखिए, हरियाणा में जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई 2014 में, हाँ जी, तो आते ही जो सबसे शुरू के निर्णय हुए उसके अंदर गीता महोत्सव को बड़ा करने का निर्णय, और कुरुक्षेत्र की जो विरासत थी, जो संस्कृति थी, उसको बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। उसके अंदर जो सबसे बड़ा काम किया, 48 कोस कुरुक्षेत्र जो है उसको जो है पुनर्स्थापित करने का एक प्रयास था। 48 कोस कुरुक्षेत्र जो है वो सांस्कृतिक भूमि है जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो कुरुक्षेत्र है वो क्या है। महाभारत गीता यहाँ पे हुई इसलिए कुरुक्षेत्र नहीं है, गीता और महाभारत को होना था इसलिए धर्म क्षेत्र को चुना गया, क्योंकि यहाँ धर्म की विजय होनी थी। और दूसरा देखिए, अगर हम बात करें जो पांडवों और कौरवों की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ और दूसरी
अपना हस्तिनापुर, वो मेरठ और दिल्ली थे। अगर युद्ध होना ही था तो वहीं कहीं मेरठ और दिल्ली के आसपास हो जाता, लेकिन उसे धर्म क्षेत्र के पास भगवान का लाना, धर्म की विजय को सुनिश्चित करना था। इसलिए कुरुक्षेत्र बड़ी प्राचीन भूमि है। ब्रह्म सरोवर तट से जो है सृष्टि की रचना का शुभारंभ कुरुक्षेत्र से हुआ। यहाँ पर माता भद्रकाली जो मंदिर है, जो कि शक्तिपीठ है, वह स्थान यहाँ पर है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर के स्थान यहाँ पर है। और बहुत ही गरिमापूर्ण तीर्थ, बहुत सारे 48 कोस के अंदर 164 तीर्थ जो है वो वहाँ पर है, जिनका इतिहास प्राचीन है। और इसको डेवलप करने के लिए, इन यहाँ की परिक्रमाओं को डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक प्रयास किया। उसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे बड़ा प्रयास था कि पहले, सबसे पहले तीर्थों को विकसित करने का निर्णय किया। तो ऐसे लगभग 70 से 75 तीर्थों पे वहाँ पर कार्य चल रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर, उनके जीर्णोद्धार का, जिसमें सबसे बड़ा कार्य ज्योतिसर के अंदर हो रहा है, जो गीता की जन्मस्थली है, जहाँ पर 5 इंटरप्रिटेशन हॉल्स बनाए जा रहे हैं जो वर्चुअल म्यूजियम की तरह होंगे। और शायद ये दुनिया का पहला स्थान होगा जहाँ पर बड़ी टेक्नोलॉजीज जैसे AI है, AR है, होलोग्राफिक इमेजेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्रोजेक्शन मैपिंग है, 3D प्रोजेक्शन मैपिंग है, ड्रोन्स हैं, ये सब एक ही जगह पे आप इससे गीता को, महाभारत को, कुरुक्षेत्र को, 48 कोस कुरुक्षेत्र को समझ पाएंगे। ये लगभग 250 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये विकसित करने का अगले साल तक ये पूरा भी हो जाएगा। अच्छा, गीता महोत्सव होने के समय पूरा हो जाएगा वो? जी, हो जाएगा अगले वर्ष में। ये मैं पूछना चाहता हूँ, जब मैं आया था वो तब BJP का गवर्नमेंट नहीं था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, राइट? ये बहुत सुंदर गीता उपदेश का मूर्ति था जी, ब्रह्म सरोवर के पास। और बोला गया कि सोनिया गांधी ने बनाया, नहीं you know? और मैं खत्म कर देता हूँ। और वो जो ब्रह्म सरोवर के नीचे रहने का जगह था, अमावस्या में बहुत लोग आते हैं बोल के, मैंने पूछा किसने किया, मुझे बताया गया सोनिया गांधी ने किया। अच्छा, यू नो, अब इंद्र वो जो अभिमन्यु का चक्रव्यूह का था, वो बोला गया कि वाजपेयी ने किए। मेरा ये पूछना है, अभी कट्टर गवर्नमेंट, अभी मैं अगर आता हूँ एज अ टूरिस्ट, मुझे क्या देखने मिलेगा, वो कि फर्क कुछ दिखेगा? जी देखिए, जब ये सरकार आई तो कृष्णा सर्किट के नाम से लगभग 100 करोड़ रुपया कुरुक्षेत्र को मिला, जिसके अंदर 5 तीर्थों को बहुत ही बड़े स्वरूप के अंदर विकसित किया गया। आप ब्रह्म सरोवर जो पहले आए थे और आज आप आके देखेंगे तो उसको बिल्कुल आप डिफरेंट पाएंगे। वहाँ पे रात में लाइटिंग का बहुत बड़ा अरेंजमेंट हुआ, और जो वहाँ पर रथ स्थापित है जिसका अनावरण सोनिया गांधी जी ने किया था, उसको लगवाने का निर्णय जो है जगमोहन जी ने किया था, जो कि वाजपेयी सरकार के अंदर जो है पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री थे। और जो आप सारा वो सरोवर देखते हैं, वो नंदा जी, गुलजारीलाल नंदा जी, जो भारत रत्न थे और जो 2 बार देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे, उन जब वो 1967 के अंदर 1967 के अंदर कैथल के MP थे, तो एक बार वो ब्रह्म सरोवर पर आए, उन्हें स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता थी, जो कि उन्हें एक बाल्टी के अंदर गंदा पानी से स्नान किया। ये कितने साल पहले? 1967 में। ओ अच्छा, बहुत पहले, सोमवती अमावस के दिन। तो उस दुर्दशा को देख के उन्होंने निर्णय किया कि इस तीर्थ का विकास हम लोग करेंगे। बहुत बढ़िया था जब मैं गया था। 1968 के अंदर उन्होंने एक बोर्ड बनाया, जिसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का नाम दिया, जिस बोर्ड के माध्यम से हम आज आप लोगों के बीच में हैं। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे, और उन्होंने पूरे जो सरोवर को बड़े अच्छे तरीके से विकसित करके, और उसके अंदर बहुत ही हर तरीके से जो है उसे विकसित किया, चाहे वो खूबसूरती की दृष्टि से था और चाहे व्यवस्थाओं की दृष्टि से था, एक बहुत ही सुंदर सरोवर उन्होंने बनाया, और इसके अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऑफ कोर्स वो गांधी परिवार के, मतलब उसमें रिजीम के अंदर वो गृह मंत्री भी रहे, MP भी रहे, लेकिन योगदान उनका बहुत बड़ा है इसके। अच्छा, अब क्या है? लेकिन जैसे ही भाजपा की जो पहली सरकार आई, जब जगमोहन जी पर्यटन मंत्री थे,
तो उन्होंने कुरुक्षेत्र की सरकार मतलब आप वाजपेयी की वाजपेयी जी की सरकार जो है तो उसके अंदर उन्होंने जो कार्य किए वो आज भी वहाँ के लोग याद करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने व्यवस्थाएं सुधारने में रोड्स के लिए रोड्स के लिए और जितनी इंफ्रा की जितनी और चीजें थी मंदिरों के सुधार के लिए तीर्थों के सुधार के लिए उन्होंने जो काम किए वहाँ पर हिस्ट्री के लिए जो उन्होंने काम किया राजा हर्षवर्धन की नगरी को जो उन्होंने दोबारा से पुनर्स्थापित स्थापित किया आर्कियोलॉजी से जो उन्होंने वहाँ पर काम किए वो बहुत ही बड़े काम थे। लेकिन तीसरी बार जो कार्य हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़े रूप के अंदर वो माननीय मनोहर लाल जी की सरकार में और मोदी जी की जो ये सरकार जैसा, जैसा क्या बड़ा काम जैसे बड़ा काम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ज्योतिसर के अंदर चल रहा है 75 तीर्थों के ऊपर जो है विकास कार्य चल रहा है जो लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा रुपये से हो रहा है। इसके साथ साथ जो है सभी तीर्थों को विकसित करने का निर्णय है जिसका कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो है आने वाले लगभग 2 साल के अंदर हम 164 में से लगभग सभी तीर्थों पे कुछ ना कुछ कार्य कर देंगे ये ऐसा निर्णय सरकार ने किया है। इसके साथ जितने अपने फेयर और फेस्टिवल थे जो लुप्त प्राय थे जिन्हें दोबारा से रिवाइव करने का फैसला सरकार ने किया है जिसमें पिछले दिनों 25 साल से जो मेला वामन द्वाज जी का मेला जो नहीं मनाया जा रहा था वो कुरुक्षेत्र के अंदर दोबारा से मनाया गया। इस तरीके से और जितने फेयर्स हैं फेस्टिवल्स हैं उनको जागृत करने का प्रयास हो रहा है। मुझे ये पूछना था और ये सिर्फ धर्म नहीं है ये सब चीज़ें हमारी इकोनॉमी से जुड़ी हैं। अगर आप तीर्थ विकसित करते हैं तो वो टूरिज्म उनसे डेवलप होगा और सर्किट्स के अंदर लोग वहाँ पर टूरिज्म के लिए आएंगे। कोई वहाँ पर चाय की दुकान खोलेगा कोई ढाबा चलाएगा कोई टैक्सी चलाएगा किसी ब्राह्मण का घर चलेगा तो ये एक बहुत बड़ा वो है टूरिज्म है। जब मैंने इंक्वायरी किया था जी तो मुझे ये बोला गया कि कटर सरकार आते आते अनाउंस किया कि स्कूल पुस्तक में गीता को लेके आएंगे बोल के फिर बोला गया कि ये लोग ऐसा ही करते हैं इलेक्शन के इलेक्शन इसके बात करते हैं फिर छोड़ देते हैं बोल के इसके बारे में कुछ नहीं। गीता को देखिए गीता को पुस्तक के अंदर शामिल अभी जल्दी ही वो हो जाएगी आप आने वाले कुछ दिनों में इसको देखेंगे बिल्कुल होते हुए देखेंगे इलेक्शन के समय में देखेंगे नहीं नहीं अभी देखेंगे आप इसको अगले इस जो ये सेशन आएगा उसके अंदर आप ये पुस्तकें बच्चों के हाथ में देखेंगे। और गीता को स्प्रेड करने में क्या क्या काम करती है सरकार से क्या मदद मिलती है? देखिए सरकार कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को जो है ग्रांटिंग एड देती है और उसके माध्यम से सरकार ने जो एक बड़े काम किया है देखिए सरकार ने वहाँ पर 9 एकड़ जगह जो गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को एक बड़ा केंद्र बनाने के लिए दिया जिसके अंदर रिसर्च सेंटर एक बड़ा म्यूजियम गीता के ऊपर उसके साथ साथ वहाँ पर लाइब्रेरी भोजनालय उसके रहने की जगह और वहाँ पर गोष्ठी करने का स्थान एक हॉल बड़ा जहाँ पर सेमिनार्स होते हैं इस तरह का बहुत बड़ा स्थान एक विकसित हो रहा है जो कि बहुत बड़ी स्ट्रेंथ आने वाले समय में अगर कुरुक्षेत्र में और गीता को समझना है तो उस केंद्र में आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो ये सरकार जो है जरूरी नहीं कि वो सब काम स्वयं करे वो ऐसी अपनी ताकत खड़ी कर रही है ऐसी स्ट्रेंथ खड़ी कर रही है जहाँ पे ये सारे कार्य होने हैं। बिल्कुल ये साचर्य ये वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह होता है कुरुक्षेत्र में जब से ये सरकार आई है दिलीपन जी तब से पूरे हरियाणा में 18 दिन तक सभी स्कूलों में प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है श्रीमद् भगवद गीता प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं स्कूल स्कूल में आयोजित होती हैं पहले हर स्कूल में उनका आयोजन होता है बच्चों को भगवद गीता की प्रतियोगिता करवाई जाती है श्लोकों की उसके बाद उनमें से चुने हुए जो बच्चे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक आयोजन होता है क्योंकि ऐसे एक आयोजन में मैं 2020 में मैं हिसार में रहा था जब मैं वहाँ गया हुआ था मैं कुछ क्षेत्र में भी रहा और फिर मैं कुछ जिलों में भी रहा तो फिर उन वो जो विजेता बच्चे वहाँ से उनको फिर कुरुक्षेत्र में पुरस्कृत किया जाता है वो इस प्रकार से 18,000 बच्चे एक साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन पहले नहीं होता था ये सरकार की ही इच्छा शक्ति है ये
ये कोई ये नहीं कि किसी मतलब धर्म को बढ़ाने के नीयत से सरकार करती, एक सत्यता, एक सांस्कृतिक और एक जो हमारी वैश्विक धरोहर है वो उसको किस प्रकार से उसको फैलाना है जन कल्याण के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए। पूरी भगवद गीता के 700 श्लोकों में कहीं हिंदू शब्द नहीं आया है, मानव मात्र के कल्याण की बात कही, प्राणी मात्र के कल्याण के इस ग्रंथ को जितना 2014 से फैलाने में बल मिला है, इतना 70 वर्षों में नहीं मिला, अंग्रेजों से और मुगलों से तो हम उम्मीद ही क्या करते थे, लेकिन पिछले 70 वर्षों में नहीं मिला ये। और इसका किसी कोई भी कोई पंथ, कोई मत, कोई धर्म दूसरा कोई कभी विरोध नहीं करता, आज तक भगवद गीता का किसी ने विरोध नहीं किया। अच्छा बिल्कुल, मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा मेरा, ओके दो सवाल हम ठीक हो जाएगा। ये बोलिए, अब जो कनाडा में आके आप काम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का सहयोगिता क्या है, क्या करना चाहते हैं ये? आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है, जो कार्य सबसे पहले तो कनाडा की जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जैसे गीता महोत्सव जो है वो हम लोग बाकी जगह जाके मना रहे हैं वैसे वो कनाडा में भी मनाया जाए। यहाँ पर जो है बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत सारे लोग हैं, उनकी इच्छा है कि यहाँ पर गीता महोत्सव, तो हम उनके निमंत्रण पर यहाँ कनाडा के अंदर आए। तो क्या व्हाट यू वांट टू kind of? उसके अंदर हम लोग जो शोकेस करना चाहते हैं, हम गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र और अपने हमारी संस्कृति को यहाँ पर पहुँचाना चाहते हैं अपने लोगों के बीच। और मैं इस पे आचार्य जी भी टिप्पणी कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा कि इधर गीता प्रचार करने के लिए कुछ काम भी होता है क्या? देखिए वो तो आचार्य जी और ऐसे बहुत सब लोग और इतने सारे मंदिर हैं यहाँ पर जो यह कार्य बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ के हिंदू अपने भारत में रहने वाले हिंदुओं से ज़्यादा अपनी संस्कृति को सहेज के रखते हैं तो ये मैं गलत नहीं कहूँगा, मैंने इन सब परिवारों को, इन सब लोगों को यहाँ पर देखा है। बिल्कुल। और जो गीता महोत्सव जो मनाने के पीछे का ध्येय है वो कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र की संस्कृति को, गीता को दुनिया में ले जाने का माध्यम है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में ये होता है क्या? ये पूरे हरियाणा में मनाया जाता है गीता महोत्सव। कुरुक्षेत्र में तो प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष कब होगा ये कुरुक्षेत्र में? मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी। अच्छा, जो इस बार 4 दिसंबर को आने वाली। मुझे कल एक कॉल आया था कुरुक्षेत्र से जी, किसी ने मुझे बुलाए, वो बोले कि नवंबर में ये होने वाला है। मुझे बुलावा आया, 18 दिन का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में होता है। ये एक ही है, सब बुलाते हैं या आप सब अपने अपने करते हैं? ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जो ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ मेजरली 18 एक्टिविटीज को लेके 18 दिन तक इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को मनाता है, जिसमें देश भर की बहुत सारी संस्थाएं भाग लेती हैं, अपने क्राफ्ट लगाती हैं, अपने पुस्तक मेले लगाती हैं, कथाओं का आयोजन करती हैं। कितने लोग आते हैं अंदर से? करीबन 30-40 लाख लोग 2019 में कोविड से पहले जो गीता जयंती थी उसमें। अब इस बार अगर मैं आता तो 30-40 लाख लोग 18 दिन के अंदर उस उन 18 दिन के अंदर पहुंचते हैं। अच्छा, 18 दिन में क्या होता है? क्विकली आप बोलिए, 18 निकलना है मुझे। 18 तरह की एक्टिविटीज कम से कम उन 18 दिनों में रहती हैं। गीता के यज्ञ होते हैं, गीता के संपूर्ण गीता के पाठ होते हैं, अष्टादशी श्लोकी 18,000 बच्चे एक साथ बैठ के पाठ करते हैं। उसके अलावा सेमिनार का आयोजन होता है, 5 या 6 अलग अलग विषयों पे सेमिनार 3 दिन तक चलते हैं। एक बहुत बड़ा संत सम्मेलन होता है जिसमें देश भर के संत घन आके अपनी बात को गीता के बारे में रखते हैं। अलग अलग जगहों पर कथाएं होती हैं, आयोजनों में क्राफ्ट बाजार लगाया जाता है, देश भर के व्यंजन वहाँ पर रहते हैं। नवंबर में होती है, नवंबर और दिसंबर जब भी मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी आएगी उससे 15 दिन पहले कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। इस बार जी देखने के लिए स्वागत है। बिल्कुल जी। इसके साथ जो सबसे बड़ा वहां पर जो चीज है
वो क्राफ्ट मेला लगता है जिसके अंदर पूरे देश से 600 से ज़्यादा क्राफ्ट मैन जो हाथ से जो पुरानी चीज़ें जैसे हाथ से बनाई जाती थी उन चीज़ों को लेके उनका बाजार एक तरह का लगता है और वो वहाँ आसपास के लोग लगभग 20 करोड़ रुपए की खरीदारी उन 18 दिनों में करते हैं आप और उन परिवारों का साल भर का खर्चा उस मेले के माध्यम से निकलता है। अब मेरा लास्ट है, आप इधर का लोग जिसको गीता के बारे में मालूम नहीं है, कोई वाइट लोग हो सकते हैं, कोई ब्लैक लोग हो सकते हैं, ये सोचते हैं कि ये तो भारत का वासी का ये है, इसके लिए आप क्या बोलेंगे? कौन सा तारीख में इधर होने वाला है गीता महोत्सव? इधर आने के लिए हिंदू के लिए क्या जरूरत है? उसको तो ऑलरेडी गीता पता है, वो ऐसा सोचते हैं उनका घर में गीता रखा हुआ है कम से कम। ये एक्चुअली गीता महोत्सव से हमारा क्या लेने देना? गीता महोत्सव वे ऑफ लाइफ, गीता के अंदर जैसा कि आचार्य जी ने बताया, कब होने वाला है ये? 16-17-18 सितंबर में यहां पर होने वाला है। ओटवा के अंदर संसद के अंदर एक कार्यक्रम है, सेमिनार होगा। वाओ, यू विल बी डूइंग दैट टू? यस यस। ओके, और 17th को जो है यहां पर लिविंग आर्ट सेंटर के अंदर ये कार्यक्रम होगा जिसके अंदर एक 3 घंटे का सेमिनार जिसमें कुछ कल्चर प्रोग्राम्स और कुछ उद्बोधन होंगे, कुछ इसके बारे में गीता की एग्जीबिशन लगाएंगे, क्षेत्र की एग्जीबिशन लगाएंगे, ये सब चीजें यहाँ पर होंगी। उसके साथ ही एक शोभा यात्रा होगी 18 तारीख को डाउनटाउन, उसका रूट वगैरह सब लोग डिसाइड कर रहे हैं और आने वाले समय में हम आपको बता पाएंगे कि वो कहाँ पर शोभा यात्रा और कितने बजे होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, ये इधर का शोभा, इधर का जो गीता महोत्सव आ रहा है इसका बारे में कैसा, जैसा मैं साधारण आदमी हूँ, मैं कैसा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ? गीता महोत्सव आ रहा है, कैसा मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं? आप क्या कर सकूं? अभी से अपने आपका जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो सोशल मीडिया है, आप उसका प्रचार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हम आपको जो विषय देंगे, जो हम सामग्री देंगे, जो भी आप अच्छे अच्छे लोग जो इस दौरान आएंगे उनका आप इंटरव्यू लें और उसको आप प्रसारित करें ज्यादा से ज्यादा। आपका तो बहुत बड़ा योगदान। मेरा सवाल का मतलब मेरा नहीं है, मेरा जैसा जो साधारण लोग होते हैं उनका कैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं? देखिए, श्रमदान, धनदान, समयदान, आपकी वित्तानुसार आप धन का दान दीजिए क्योंकि हम इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाएंगे। और इसके अलावा जो काम करने के जो वॉलंटियर वर्क है बहुत बड़ा है, उसमें हजारों लोगों ने काम करना है। इतना बड़ा होगा? इधर कितना लोग आएंगे? हम शोभा यात्रा में हम उम्मीद करते हैं कि 10, हम चाहते हैं कि 5-7 से 12 हजार की संख्या शोभा यात्रा में रहे, 2 हजार की सेमिनार में रहे। तो उन 10-12 हजार लोगों को 5 घंटे तक संभालने के लिए कितने स्वयं सेवक चाहिए? मैं ये पूछूंगा, जल्दी खत्म करना है, मैं ये पूछूंगा कि यंगस्टर्स जो हैं उनको स्कूल में वॉलंटियर अवर्स मिलते हैं? इधर आके वॉलंटियर के तो उनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा? उनको सर्टिफिकेट देंगे, आप देंगे सर्टिफिकेट? क्योंकि ये समारोह एक मान्यता प्राप्त समारोह है और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा करवाया जा रहा है, ये रिकमेंडेड है और इसके द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट सब जगह मान्य होंगे। बिल्कुल। और हम मंदिरों से भी देंगे क्योंकि जो जो तैयारी मंदिरों में करेंगे बच्चे आकर के, हम उनको 20 घंटे का श्रमदान जो नियमानुसार होता है हम उनको देंगे। जो भी बच्चे काम करना चाहते हैं वो समारोह के माध्यम से श्रमदान आवर्स लेना चाहते हैं, वॉलंटियर्स आवर्स लेना चाहते हैं, वो उनको आप बताइए कि आचार्य जी से, और हम आयोजकों की सूची जारी कर देंगे, उनसे संपर्क करें, हम उनको वो वॉलंटियर आवर्स देंगे। और जनरली जो भी आना चाहते हैं कर सकते हैं, आपको संपर्क करेंगे, किसको करेंगे? मुझसे भी कर सकते हैं और भी, मैंने बताया कि सूची जारी हो जाएगी, लिस्ट आ जाएगी कौन कौन आयोजक किस कौन कौन सा कार्य करते हैं उन उसमें। अब जैसे मेरी जो ड्यूटी है विशेष रूप से शोभा यात्रा के लिए, अच्छा, तो शोभा यात्रा में सब और में भी सब कोऑर्डिनेट, हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं स्वामी जी के आदेश से, क्षेत्र विकास बोर्ड, स्वामी जी मतलब गीता मिश्री परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के मार्गदर्शन में सब जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए। इसलिए कर रहे हैं कि इस समारोह से एक ऐसी प्रेरणा समाज को मिले कि हिंदुत्व का उत्कर्ष
जो मानव मात्र के कल्याण का एक ध्येय है, हिंदुत्व का मतलब एक लाइफ स्टाइल, एक उन्नत तरीके से जीवन जीना, तो वो संदेश जन जन तक पहुंचाना बिल्कुल बिल्कुल इस भगवद गीता का मुख्य ध्येय है, मुख्य कार्य है। और वो कार्य करने के लिए हम इस आयोजन को सफल बनाने में एकजुट होकर के हजारों लोग अब जुटते जा रहे हैं और सम्मेलन के आयोजन तक हजारों वॉलंटियर्स के साथ जुट जाएंगे। बिल्कुल, आई जस्ट एज अ पेरेंट आई वांट टू से थैंक यू टू यू ऑल, यू नो हमारे बच्चे जो हैं ये महोत्सव में भाग ले सकेंगे, उनको भी हमें भी पता लगेगा, मगर हमारे बच्चों को तो कुछ इसका मौका ही नहीं मिलती है। अंत में मैं कहूंगा कि गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात विदिश्रेता। बिल्कुल, जय जय गीते भगवत गीते। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच फॉर यू, आई नो यू आर जस्ट गोइंग टू द एयरपोर्ट, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड टॉकिंग टू मी, अप्रिशिएट इट। ओके, हरे कृष्ण।